नमस्ते दोस्तों, मैं अनीता जैन। आज मैं आपको कोई रेसिपी नहीं बताऊंगी, आज मैं किचन टिप्स बताऊंगी जिससे कि आपका काम किचन में आसान हो जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। जब भी हम मूंगफली को रोस्ट करते हैं और इनके छिलके में अठाने में काफ़ी समय लग जाता है, तो रोस्ट किस तरह से करें? थोड़ा सा पानी ले लें, 1 चम्मच करीबन ले लें और इन्हें इस तरह से कर लें और मिक्स कर लें, और फिर इन्हें हमें रोस्ट करेंगे ना तो ये छिलके आसानी से हट जाएंगे। अब इन्हें मैं रोस्ट कर लूंगी, एक पैन में डाल देंगे। अब मैं बाद में बताती हूँ आपको, थोड़े से सेक लेते हैं। देखिए, सेकते सेकते ये छिलके, कई मूंगफली के छिलके तो आराम से अट गए हैं। सेकते सेकते देखिए, इसका बिल्कुल अट गया है, ये रहा कई है, तो छिलके आसानी से हट जाएंगे। इस तरह से आप रोस्ट करिए। देखिए, ये मैंने सेक लिए हैं, या तो इसे कोई कपड़े पर डाल के मसल लें तो आराम से छूट जाएंगे। देखिए कितने आराम से छूट रहे हैं, बिल्कुल हल्के हाथ कर रही पड़ेगा। देखिए, तो इस तरह से थोड़ा सा गीला करके फिर रोस्ट करें और छिलके हटाने हो तो फटाफट छिलके हट जाते हैं। तो इस तरह से आप मूंगफली के छिलके हटा सकते हो। जब भी हम बाजार से नींबू लाते हैं, इसे थैली में ही रख देते हैं फ्रिज में, तो थैली में नहीं रख के इसे कोई भी एयरटाइट कंटेनर में डाल दें और फिर ढक्कन लगा के रख देंगे तो 15 से 20 दिन तक खराब नहीं होते। जब भी हम बेसन की पकौड़ी बनाते हैं, जैसे हमने बनाए कोफ्ते, प्याज की पकौड़ियाँ, आलू की पकौड़ी, खीरे की पकौड़ी, तो इस बेसन के बैटर में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दें। इससे पकौड़ियाँ क्रिस्पी भी बनेगी और तेल भी कम सोखेगा। देखिए, कॉर्नफ्लोर डालने से कितनी क्रिस्पी बनी है पकौड़ियाँ। जब भी हमें तुरंत भेलपूड़ी या पपड़ी चाट या दही बड़े या कचौरी खाने की इच्छा हो जाती है, उस समय मीठी चटनी नहीं रहती हमारे पास और हमें इच्छा हो जाती है कि हम खाएं, अब क्या करें, तो झटपट मैं आपको चटनी बनाने का तरीका बता रही हूँ। ये मैंने अमचूर पाउडर लिया है, 2 टेबल स्पून अमचूर पाउडर ले लेंगे और इसमें चीनी डाल देंगे। हमने 2 टेबल स्पून अमचूर पाउडर लिया है तो 4 टेबल स्पून चीनी डाल देंगे पहले तो, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इसे गैस पे रख देंगे, ये चटनी झटपट बनके तैयार हो जाती है। अब इसमें जो भी आप मसाला डालना चाहते हो वो आप मसाला डाल सकते हो। मैं लाल मिर्ची डाल रही हूँ थोड़ी सी, और थोड़ा सा सादा नमक डाल दूंगी, और हींग डाल देंगे। और अब इसे उबाल आने तक पकाना है पहले तो ये झटपट बनके तैयार हो जाती है। तो अगर आपको भेलपूरी खाने की इच्छा होती है अर्जेंट, तो आप इस तरह से चटनी बना के तुरंत खा सकते हो। बस उबाल आया, चीनी गल गई और इस तरह से चटनी बनके तैयार हो जाती है। तो इस तरह से अर्जेंट बनानी हो तो इस तरह से बना के खा सकते हो। जब भी हम दही जमाते हैं और जामुन हमारे पास नहीं रहता, तो उस समय हम क्या करें मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने दही में पानी डाल के फेंट रखा है, अब इन्हें इसमें ट्रे में या कोई में भी आप इस तरह से जमा दें। इस तरह से जमा के आप रख दो, तो मैंने जमा के तैयार कर रखी है, ये इस तरह से हो जाएगी। और अब इनकी इस तरह से आइस क्यूब निकाल लें, आराम से निकल जाएंगे। तो कई बार हमारे पास जामुन नहीं होता और अब हम सोचते हैं कि दही भी जमाना है हमें, तो आप इस तरह से आइस क्यूब इस तरह से जमा लें। और अब इन्हें एयरटाइट कंटेनर में या एयरटाइट थैली में डाल के रख दीजिए फ्रीजर में, और जब भी हमें दही जमाने की आवश्यकता और जामुन नहीं हो तो बस निकालो और एक डाल दो, या आधा जितना भी आप डाल सकते हो बाहर निकालोगे तो ये मेल्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप जामुन को स्टोर कर सकते हो। और कई बार हमारे पास दही नहीं रहता, खटाई वाली सब्जी भी बनानी रहती है, तो उसमें भी आप ये काम में ले सकते हो। देखिए कितनी अच्छी क्यूब जमी है। अब इसे एयर टाइट कंटेनर में पैक करके फ्रीजर में रख दीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।